चाइना के फिलहाल कोविड-19 के आने के बाद जो दुनिया भर में लॉकडाउन लगा था, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बिल्कुल बंद हो गई थी, उसके कारण दुनिया भर की सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी और जो थोड़ी बहुत कसर थी वो कंटेनर्स की शॉर्टेज ने पूरी कर दी थी। इसी बीच रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, यूक्रेन जैसे देशों ने हड़बड़ी में कुछ ऐसे कदम उठा लिए हैं जिनसे भारत को बेहद ज्यादा फायदा होना शुरू हो गया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वीट यानी गेहूं की। टॉप 5 वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज यानी टॉप के 5 देश जहाँ पर सबसे ज्यादा गेहूं की फसल उगती है वो हैं, नंबर 1 पर चाइना, नंबर 2 पर इंडिया, नंबर 3 पर रशिया, नंबर 4 पर अमेरिका, नंबर 5 पर फ्रांस और नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया। सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि भारत और चाइना दोनों नंबर 1 और नंबर 2 पर है, तो हम दोनों देश पूरी दुनिया को गेहूं बेचकर कई सारे डॉलर छापते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितना गेहूं हम प्रोड्यूस करते हैं उतने ही ज्यादा हम कंज्यूम भी करते हैं, जिसके कारण अगर दुनिया भर की टॉप 5 वीट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ऐसे देश जो सबसे ज्यादा गेहूं दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं उनकी बात करें तो वो है, नंबर 1 पर रशिया, नंबर 2 पर अमेरिका, नंबर 3 पर कनाडा, नंबर 4 पर फ्रांस, नंबर 5 पर यूक्रेन और नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया। भारत और चाइना तो टॉप के 15 वीट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में भी नहीं आते हैं, फिर टॉप 5 तो छोड़ ही दो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वीट एक्सपोर्ट करने के लिए बचता ही नहीं है, कितने टन गेहूं तो हर साल FCI के स्टोर्स में पड़ा पड़ा सड़ रहा है। मगर भारत अगर थोड़ा बहुत वीट एक्सपोर्ट करने की कोशिश भी करता है तो रशिया, अमेरिका, यूक्रेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के कॉम्पिटिटिव प्राइजेस के आगे टिक ही नहीं पाता है। ये सभी देश बेहद सस्ता वीट मार्केट में डंप करते हैं, लेकिन जो ये पैंडेमिक इस बार आई है इसने वीट मार्केट की सप्लाई चेन को ऐसा प्रभावित कर दिया है कि भारत और भारत के वीट एक्सपोर्टर्स की किस्मत रातों रात चमक गई है। इसके साथ जो भारत ने नैले पर दैला मारा है वो अलग से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर बिजनेस लाइन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक साउथ और वेस्ट एशिया रीजन में भारत सबसे बड़ा वीट सप्लायर बनकर उभरा है। जो मार्केट आज तक रशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश डोमिनेट करते थे वहां पर अब भारत छा गया हुआ है, और जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल वीट मार्केट के प्राइसेस 8 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं, यानी इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 8 सालों में वीट यानी गेहूं की कीमत आज की डेट में सबसे ज्यादा चल रही है। इसके साथ ही कंटेनर्स की कमी के कारण फ्राइट चार्जेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। साउथ एशिया की वीट मार्केट में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट एशिया की मार्केट में रशिया डोमिनेट किया करता था, लेकिन इंटरनेशनल वीट मार्केट में बड़े प्राइसेस के बीच मौके पर चौका मार दिया है भारत ने। जहां पर बाकी देश 300 से 400 डॉलर पर टन की कीमत पर वीट बेच रहे थे, वहां पर भारत ने ऑफर किया 265 डॉलर पर टन के प्राइस पर वीट, जो कि बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता था। रशिया और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले भारत का डिस्टेंस क्योंकि साउथ और वेस्ट एशिया के देशों से बेहद करीब है, जिसके कारण सभी देशों को भारत से वीट इम्पोर्ट करने में फ्राइट चार्जेस काफी कम पड़ रहे थे। ऐसे में भारत के वीट की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में अचानक से आसमान छूने लग गई। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल अप्रैल और अगस्त के बीच हमने मात्र 260,000 टन वीट एक्सपोर्ट किया था, लेकिन आप हैरान होंगे ये जानकर कि पिछले साल के 260,000 टन के मुकाबले सेम अप्रैल से अगस्त के बीच हमने इस साल 1,980,000 टन वीट एक्सपोर्ट किया है। कहां पर 2,00,000 टन और कहां पर 1,900,000 टन। साथ में मौके का फायदा उठाते हुए भारत के वीट एक्सपोर्टर्स ने भी अपने प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ा दिए हैं, जो अप्रैल में 265 डॉलर पर टन पर थे और अब अगस्त आते आते 315 डॉलर पर टन तक बढ़ा दिए हैं, क्योंकि जो देश भारत से वीट इंपोर्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी फ्राइट चार्जेस में काफी ज्यादा अमाउंट बचा रहे हैं। ऐसे में इंडियन वीट के प्राइसेस बढ़ने के बाद भी इनकी डिमांड कम नहीं बल्कि बढ़ी रही है, क्योंकि इनको भारत के मुकाबले रशिया और ऑस्ट्रेलिया से वीट इंपोर्ट करना काफी महंगा पड़ रहा था। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया भारत क्योंकि वीट काफी ज्यादा कंज्यूम भी करता है, ऐसे में वीट एक्सपोर्ट्स के कारण हमारी डोमेस्टिक मार्केट पर भी इसका असर पड़ने का खतरा पैदा हो गया था। रिसेंटली प्रमोद कुमार, जो रोलर फ्लोर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बयान दिया था कि वीट एक्सपोर्ट्स बढ़ने के कारण डोमेस्टिक मार्केट हमारी प्रभावित होना शुरू हो गई है, और वीट के लिए वो कुछ महीने पहले जहां पर 20 से 21 रुपए पर केजी पे किया करते थे उनको अब 25 रुपए पर केजी पे करना पड़ रहा है। मगर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वीट एक्सपोर्टर्स जो ये वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये तो ओपन मार्केट से कलेक्ट किया जा रहा है, वो भी पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स के फार्मर से, जहां पर साल 6 महीने के अंदर चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में भारतीय सरकार वीट एक्सपोर्ट्स पर लिमिट लगाकर इन राज्यों के वीट फार्मर्स को नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वीट एक्सपोर्ट से पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वीट फार्मर्स को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। खैर जो भी हो, बस जो ये वीट एक्सपोर्टर्स हैं ये इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी डिमांड और प्राइसेस का फायदा
भारत के फार्मर्स को भी दें जो जमीन पर काम कर रहे हैं, वरना होता क्या है कि असली मुनाफा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली कंपनीज कमा लेती हैं और फार्मर्स को फिर कुछ नहीं मिलता है। वैसे हम इस तरह की वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि जो ये वीट एक्सपोर्ट बढ़े हैं क्या इसका फायदा खेती करने वाले असल किसानों को मिल पाएगा, हाँ या फिर नहीं।